हेलो दोस्तों, ये हमारे पास सैमसंग का M20। इसका हमको फोल्डर चेंज करना है। तो दोस्तों पत्ते पे लिखा हुआ है M25F, है ना। तो ये रहा डिस्प्ले का पत्ता। सबसे पहले हम पुराने फोल्डर को निकाल लेते हैं, जो कि इजीली निकल जाए, क्योंकि दोस्तों ये गिर चुका था। इस चक्कर में आधे ज़्यादा फोल्डर बाहर आ चुका था, इसलिए इजीली निकल चुका है। ठीक है दोस्तों, तो अब हमको इसमें जो है नया फोल्डर लगाना है। तो हम नया फोल्डर इसमें लगाते हैं। तो दोस्तों ये रहा नया फोल्डर, एकदम फ्रेश फोल्डर है, एकदम OG फोल्डर है, जो कि हमको लगाना है। तो सबसे पहले हम ऊपर की पन्नी निकाल लेते हैं, क्योंकि फोल्डर चिपकाने से पहले इसके पीछे का टेप वेप ये सब निकाल लेना, नहीं तो दोस्तों अच्छा नहीं लगेगा और जो फोल्डर है सामने से भी बेकार दिखाए। तो इसलिए हमको क्या करना है, सबसे पहले तो दोस्तों हमको फ्रेम में चारों तरफ हमने को ग्लू लगा लेना, ब्लैक कलर का ग्लू इसलिए लगा लेते हैं, अगर लाइट वगैरह बाहर जाए तो दोस्तों उससे भी एक ग्लू लगा लेंगे ब्लैक कलर का, जिससे क्या है ना लाइट बाहर नहीं जाएगी। अगर फोल्डर मोटा भी है तो, क्योंकि जो कॉपी फोल्डर आता है दोस्तों सैमसंग का, वो थोड़ा मोटा रहता है, क्योंकि वो एमोलेड नहीं रहता, LCD फोल्डर रहता है, इसलिए मोटा रहता है। तो इसलिए हम ब्लैक ग्लू का यूज़ करते हैं, ताकि फोल्डर हम लगा भी लें और बाहर लाइट वगैरह नहीं निकले और ना ही दिखे दोस्तों। इसलिए हम सबसे पहले ब्लैक कलर का ग्लू लगा लेते हैं। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, वाइट भी लगा सकते हो, लेकिन क्या उसमें लाइट वगैरह बाहर रिफ्लेक्ट करेगी, है ना। तो इसलिए हम ब्लैक ग्लू का इस्तेमाल करते हैं, वो भी सैमसंग के ये फोल्डर चिपकाने के लिए, जो कि मोटा है। तो दोस्तों ध्यान रहे, आप भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आप सैमसंग के ही मोबाइल में जो फोल्डर इसका मोटा आता, बाकी वीवो ओप्पो तो दोस्तों फिटिंग इनकी अच्छी आ जाती, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहती, कोई सा भी ग्लू लगाओ। तो हमने ग्लू पूरे फ्रेम में लगा लिए, बस नीचे की तरफ रह गए, तो वो भी हम लगा लेते हैं। तो फाइनली हम ग्लू लगा चुके हैं। अब दोस्तों इसमें नया फोल्डर हम लगा लेते हैं, जो कि मैंने आपको अभी बताया था। तो ये रहा सैमसंग M20 का फोल्डर, जो कि फुल कंप्लीट है। इसको हमको लगा लेना। तो दोस्तों इसमें एकदम पतला सा पत्ता रहता है, इसमें टच और डिस्प्ले एक ही पत्ता रहता है, इसका अलग अलग नहीं रहता। तो इसको प्रॉपर तरीके से हम इसमें फिट कर लेते हैं। पनी हमने इसलिए निकाली ताकि हमें फिटिंग वगैरह सारी चीज़ें एकदम क्लियर दिख जाए। तो दोस्तों ये हमने पत्ता लगा लिया। अब दोस्तों इसके पीछे के जो भी मिडिल वगैरह हैं, मिडिल और नीचे का रंगा डब्बी, सारे हम फटाफट से इसमें लगा लेते हैं, फिर इसको चालू करके देखेंगे। दोस्तों फाइनली सारे स्क्रू हमने लगा लिए। उसके बाद दोस्तों हम इसका जो है फिंगरप्रिंट का जो सेंसर पत्ता मतलब सेंसर रहता है बैक साइड का, फिंगरप्रिंट जिससे लॉक खुलता है, तो दोस्तों ये हमको लगा लेना है। तो ये भी हम लगा लेते हैं, इसका एक कनेक्टर है। उसके बाद दोस्तों हमको पीछे का ढक्कन लगा लेना है, तो पीछे का ढक्कन भी हम लगा लेते हैं फटाफट से। तो दोस्तों हमने ढक्कन लगा लिया है, अब इसको हम चालू करके देख लेते हैं, जो हमने इस फोल्डर लगाया है कैसी क्वालिटी इसकी। तो दोस्तों ये ओरिजिनल जैसी ही क्वालिटी है दोस्तों, ये देख लीजिए सैमसंग गैलेक्सी M20 जिसका हमने फोल्डर चेंज किया है, और ये सिम ट्रे भी हमने लगा दी दोस्तों। क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, तो ये चालू भी हो रहा है आपके सामने, तो आप भी देख लीजिए कि क्वालिटी किस तरीके की क्वालिटी दोस्तों। एकदम G9 एकदम OG फोल्डर डल जाएगा मेरे पास से। अगर किसी को किसी भी कंपनी का, किसी भी सैमसंग या फिर कोई भी कंपनी का मोबाइल, उसका फोल्डर आपको चाहिए, तो दोस्तों कमेंट करिएगा, और दोस्तों इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये देख लीजिए फाइनली चालू हो चुका है सैमसंग का M20। तो ये देख लीजिए बहुत बढ़िया क्वालिटी है दोस्तों, और ये थीम वगैरह इसमें सेलेक्ट है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया तो उसको लाइक करना, और नए हो तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही,
जय हिंद जय भारत।